फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो एक करोड़ तक हर दिन. ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट. जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट. विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट. दोस्तों, T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया हुई घोषित. हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत सहित 5 दिग्गज खिलाड़ियों की हुई वापसी. स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि T20 विश्व कप कब खेला जाएगा और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी घोषित हो चुकी है. हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत सहित कौन से 5 दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो गई है, पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि T20 विश्व कप टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें. दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों, T20 विश्व कप 2021 में अक्टूबर के महीने में भारतीय सरजमीन पर खेला जाने वाला है. भारतीय टीम पिछले कई सालों से कोई भी बड़ा कप विराट कोहली की कप्तानी में नहीं जीती है और मौजूदा साल में भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा T20 वनडे और टेस्ट मुकाबले खेलने वाली है. ऐसे में भारतीय टीम की T20 में कप्तानी रोहित शर्मा को दी जाने की बात सामने निकल कर आ रही है. हालांकि इस बात का अब तक BCCI ने आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में हमें साफ पता चल जाएगा कि अब T20 की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे या फिर विराट कोहली. दोस्तों, आपके हिसाब से T20 में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतरीन कप्तान कौन है, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए. दोस्तों, T20 विश्व कप के मद्देनजर भारतीय टीम में लगातार युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं और आने वाले भारतीय टीम की इंग्लैंड सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है और IPL में भी कई सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा गया है, जो कि भारत की तरफ से T20 विश्व कप में खेलने का पूरा हक रखते हैं. ऐसे में आने वाले भारतीय टीम के T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे युवाओं को मौका मिलने की पूरी संभावना है. दोस्तों, भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार जीत हासिल की थी और ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में बुरी तरह से पछाड़ा था. दोस्तों, इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम को भी भारतीय टीम ने T20 सीरीज में मात दी थी. इसके बाद अब भारतीय टीम अगली T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है. लगातार भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और T20 विश्व कप के नजरिए से भारतीय टीम का यह फॉर्म बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है. भारतीय टीम T20 विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार भी माने जा रही है. दोस्तों, इसके अलावा T20 विश्व कप में भारतीय टीम में ओपनिंग बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं भारतीय टीम की कप्तानी T20 विश्व कप में रोहित शर्मा संभालते हुए दिख सकते हैं. हालांकि रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली टीम में बल्लेबाजी के रूप में मौजूद होंगे. वहीं भारतीय टीम के 2 खतरनाक ऑलराउंडर भी टीम का हिस्सा होंगे. तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं T20 विश्व कप में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है. दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग बल्लेबाज के बारे में. जी हां दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है. रोहित शर्मा और KL राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं, जहां KL राहुल ने बहुत ही कम समय में T20 मैचों में अपनी अलग पहचान बना ली है. दोस्तों, IPL 2020 में KL राहुल ने पूरे सीजन में सबसे अधिक रन बनाए थे. इसके अलावा 2020 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में KL राहुल ने सबसे अधिक रन लगाने की सूची में नंबर 2 के स्थान पर मौजूद थे. भारतीय टीम की तरफ से KL राहुल ने साल 2020 में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए थे. इसके अलावा रोहित शर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है. IPL में कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक अधिक बार फाइनल जिताने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम मौजूद है. दोस्तों, इसके अलावा रोहित शर्मा ने साल 2018 में भारतीय टीम को निदहास ट्रॉफी भी अपने कप्तानी में जिताई थी. इसके अलावा बल्लेबाजी में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा के बल्ले से अलग ही आतिशबाजी देखने को मिल सकती है. इन दोनों खिलाड़ियों के यह शानदार आंकड़े इन्हें एक अच्छा बल्लेबाज बनाता है और T20 विश्व कप में रोहित शर्मा और KL राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं. इनके अलावा बैकअप में शिखर धवन भी ओपनर के रूप में मौजूद होंगे. दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर भारतीय टीम में विराट कोहली मौजूद होंगे. जी हां दोस्तों, हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि विराट कोहली कप्तानी का भार नहीं होगा दोस्तों, जिससे विश्व कप में विराट कोहली और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं. विराट कोहली
टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। विश्व कप 2016 में भी विराट कोहली ने भारत की तरफ से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और एक बार फिर से आने वाले विश्व कप में विराट कोहली द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर चार पर भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर मौजूद होंगे। पिछले कुछ समय में श्रेयस अय्यर ने नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की दुविधा दूर कर दी है और नंबर चार पर शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है। दोस्तों आईपीएल 2020 में श्रेयस अय्यर ने 500 से अधिक रन बनाए हैं। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों पर 187 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से टी20 विश्व कप में इन्हें भारतीय टीम में जगह मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इनके अलावा इस स्थान पर भारतीय टीम में ईशान किशन बैकअप के रूप में मौजूद हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर पांच पर भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव मौजूद होंगे। दोस्तों टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में इनका चयन होना लगभग संभव माना जा रहा है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चुके सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजों की सूची में आते हैं। दोस्तों आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद इन्हें विदेशी टीम ने भी अपनी तरफ से खेलने का न्योता दिया था। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने इसे स्वीकार नहीं किया। जल्द ही इनका टी20 क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों इसके स्थान पर बैकअप के रूप में मनीष पांडे मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों नंबर छह पर भारतीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत मौजूद होंगे। ऋषभ पंत आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और चौकों और छक्कों की बरसात भी उन्हें देखी गई है। हालांकि अब तक भारतीय टीम की तरफ से टी20 क्रिकेट में इनके द्वारा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। इससे पहले आईसीसी वनडे विश्व कप में भी ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर सात पर भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के रूप में मौजूद होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया था जिसके बाद इन्हें मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी चुना गया था। इसके अलावा हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय टीम को बल्लेबाजी में काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। छक्के लगाने के मामले में हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी करते हैं और टी20 विश्व कप में इनका चयन होने की पूरी संभावना है। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर आठ पर भारतीय टीम में दूसरे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मौजूद होंगे। ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा हमेशा ही भारतीय टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। कई बार आईपीएल में रविंद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी से टीम को जिताया है। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया है। दोस्तों नंबर नौ पर भारतीय टीम में युजवेंद्र चहल मौजूद होंगे। धीमी गति के गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाई थी और कई बार युजवेंद्र चहल ने ऐसा कारनामा कर चुके हैं जिसकी बदौलत इन्हें टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम में जगह मिलती है और दोस्तों विश्व कप में भी इनसे ऐसी ही प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। दोस्तों युजवेंद्र चहल की जगह बैकअप के रूप में आप सभी को वाशिंगटन सुंदर भी दिखाई देंगे। दोस्तों भारतीय टीम में नंबर 10 और नंबर 11 पर दो खतरनाक गेंदबाज मौजूद होंगे। नंबर 10 और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जोड़ी आप सभी को दिखाई देगी। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हैं, जहां जसप्रीत बुमराह डेट ओवर में भारतीय टीम की कमान संभालते हुए दिखते हैं तो मोहम्मद शमी शुरुआती ओवर में भारतीय टीम को कामयाबी दिलाते हैं। तेज गेंदबाज टी नटराजन बैकअप के रूप में आप सभी को दिखाई देंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है, जहां पर रोहित शर्मा केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। मिडल ऑर्डर में विराट कोहली श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे तो वहीं पर स्पिन गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहल दिखाई देंगे और तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दिखाई देंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर पाएगी? उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो एक करोड़ तक हर दिन। ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। जीतो 20x मोर on every contest, winning done right, only on Fan Fight.